Hey guys, I am Preeti and welcome back to my channel. So guys, आज मैं जिस product का review करने वाली हूँ वो है ये. इसका नाम है Olay Moisturizing Cream और ये 50 grams की है जो कि आती है 275 rupees में. Guys, ये जो cream है ये normal skin, oily skin और जो थोड़ी सी कम dry skin होती है उसके लिए summers के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा option है. ये इस तरीके के प्लास्टिक के टब में आती है. ब्लैक कलर का इसका कैप है और जो ये टब है ब्लश पिंक कलर का है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये इस कलर की क्रीम है. आई होप यू गाइस कैन सी इट. इस क्रीम का भी जो कलर है वो माइल्ड ब्लश पिंक है और जब इस क्रीम को आप लगाते हो तो इस तरीके से बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है. इसमें बहुत अच्छी सूदिंग सी फ्रेग्रेंस आती है जो कि बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है. अगर किसी को फ्रेग्रेंस से एलर्जी है तो वो भी इसे लगा सकते हैं बिकॉज वो बहुत सूदिंग सी है और थोड़ी देर बाद वैनिश हो जाती है. बहुत ही माइल्ड है. अब मैं आपको बता देती हूँ ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है और उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ. दिस क्रीम रिड्यूसेस ड्राइनेस एंड प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन, रिड्यूसेस फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स, गेट फर्मर स्किन टेक्सचर विद रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ दिस क्रीम दैट हेल्प्स टू रिड्यूस फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स, soft and smooth skin, nourishment up to 12 hours, contains fluids similar to the natural fluids of your skin. और इसके key features हैं long lasting moisturization, improves skin softness and smoothness to leave it youthful looking, contains a special moisture binding system that locks in moisture when it's needed most. इसके जो ingredients का एक मैं screenshot लेकर के website के description से ही मैं यहाँ पे लगा दूंगी. आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. इसे लगाने का तरीका वही है कि आपको अपने फेस को वॉश करने के बाद दिन में दो बार लगाना है, ऐसा इस पे लिखा है. तो गाइज मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है इस क्रीम के साथ. मेरी ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन है, मेरा टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है समर्स में और मेरे जो चीक्स हैं वो तो ड्राई ही रहते हैं. बट अब ये जो मई जून जुलाई अगस्त ये बहुत एक्सट्रीमली गर्मी वाला जो वेदर होता है प्लस जो मानसून का वेदर होता है जो कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा ऑयली क्रीम्स नहीं प्रेफर करती हूँ. तो ये क्रीम मेरी स्किन को बेस्ट सूट करती है, बिल्कुल भी मेरी स्किन को बहुत ज्यादा ऑयली नहीं बनाती है प्लस उसे हाइड्रेटेड रखती है. चिपचिपी ये क्रीम लगाने में बिल्कुल भी नहीं है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है. इसका जो टेक्सचर है थोड़ा थिक है बट उतना टाइम नहीं लेती है. इसके ऊपर आप आराम से कोई भी सनस्क्रीन लगाएं जो कि समर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है सनस्क्रीन. ये क्रीम जब आप लगाते हैं तो किसी भी तरीके का रेजिड्यू या वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है विच इज़ वेरी गुड. क्योंकि बहुत सारी क्रीम्स में प्रॉब्लम ये होता है वो अच्छी तो होती हैं लेकिन कई बार वाइट कास्ट भी छोड़ती हैं. तो ये आपके फेस को बिल्कुल भी ऑयली या चिपचिपा नहीं बनाती है बट एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड रखती है. और मेरे अकॉर्डिंग ये जो क्रीम है ये ऑयली स्किन के लिए भी अच्छी रहेगी बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज मेरा ऑयली स्किन नहीं है. नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी. एक्सट्रीमली ड्राई स्किन जिनका समर्स में भी रहता है वो लोग इसे स्किप कर सकते हैं. सो गाइज दैट्स इट. ये था मेरा मिनी रिव्यू इस क्रीम के बारे में और समर्स में एक ऐसी क्रीम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है जो आपको अच्छे से हाइड्रेट करे, मॉइस्चराइज करे बट ऑयली ना करे. आई होप ये रिव्यू आपके लिए समहाउ हेल्पफुल रहेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना. आई विल सी ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन स्टे ब्यूटीफुल स्टाइलिश. बाय बाय.